सो गाइस, दिस इज अ वेरी गुड लेसन फॉर हुएवर इज इन्वेस्टेड इन एडा. सुमनेश, गो ऑन, लेसन दे दो. अच्छा मैं बोल रहा हूं कि क्या क्या लेसन देना है ऐसे। अरे कि टॉप नहीं बाय करना चाहिए, लेवल देख के बाय करना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना हाँ चाहिए. हाँ मतलब देखो यार क्या होता है ना, देखो मैं एक सेकंड के लिए बीएनबी बस दिखा रहा हूँ, सिर्फ बस दिखा रहा हूँ, लेट मी डोंट गेट हर्ट, ओके, दिस इज नॉट अ पर्सनल अटैक। या सो या मैं बोल रहा हूँ कि हमें बहुत लगता है, ठीक है, कि जब कोई चीज, अब जैसे ये जो देखो ये शुरू, ये 20 कहाँ से हुआ है यार ये, हाँ दिसंबर लास्ट वीक से, लाइक सेकेंड वीक से ये $27 काइंड ऑफ लाइक से शुरू हुआ है, ठीक है। और ये एक मिनट, मैं आपको पता है, आप लोग सोच रहे हो कि ये एडा बताने की जगह बीएनबी बता रहा है इंसान, पर सुन लो प्लीज, ये यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एन अपट्रेंड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कि भाई प्राइस हायर 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 लो बना रही है, ऊपर जा रही है। आपको लगेगा कि ये तो अपट्रेंड नहीं है, पर भाई 27 से 44 यूएसडीटी अगर कोई चीज महीने भर या उससे कम में जाए तो ये अपट्रेंड ही है, ठीक है। तो दिस इज एन अपट्रेंड। ये जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड क्रिप्टो स्पेशल, क्योंकि ये सिर्फ यही हो सकता है, ठीक है। ये अपट्रेंड नहीं है, ये क्रिप्टो स्पेशल रॉकेट चिप्स हैं जो सिर्फ क्रिप्टो में हो सकती है। किसी स्टॉक मार्केट में कभी आपको इतने शॉर्ट टाइम में नहीं मिलेगा। टेस्ला वगैरह हुआ है, पर वो 2-3 साल में इतना बड़ा है, ठीक है। आपको ये स्टॉक मार्केट में या किसी भी मार्केट में इतना नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम्स ही इतने कम है कि हम ये कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इस तरह के मूवमेंट्स आ ही नहीं सकते, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। लाइक मार्केट कैप्स इज ह्यूज, ठीक है। सो ये जो है, ये है क्रिप्टो स्पेशल रॉकेट शिप, इसको मैं बोलता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ। जब आप यहां होते हो ना, तो क्या हो गया, प्राइस ऑलरेडी डबल हो चुका है 4 दिन में, 5 दिन में। या आप यहां हो तो प्राइस हो चुका है 3 गुना, 4 गुना, 15 दिन में। तो आपको लगता है बस मैं इसी रेट पे चला ना, तो 6 महीने बाद तो रिटायरमेंट है मेरा, क्या बॉस गाली देगा मेरे को, जॉब तो करनी नहीं है मेरे को, ठीक है। मतलब दैट एंड दैट एट दैट मोमेंट यू डोंट रियलाइज कि इट इज वेरी हार्ड टू सस्टेन अ मूवमेंट लाइक दिस। और ये क्यों है पता है, क्योंकि कभी ना कभी आपका ग्रीड के ऊपर, ग्रीड से ज्यादा किसी ना किसी, देखो डिपेंड करता है भाई, जिसने अगर $100 पे बीएनडी बाई किया है, उसको लगेगा यार 300 पे भी क्यों बेचू, 3x ही हुआ है। लोगों का तो 5-5, 6-6x हुआ है, ठीक है। तो मैं भी वेट करूंगा, मेरा भी 5-6x, 10x होगा, ठीक है। पर जिसने $20 पे $10 पे बाई किया है, ठीक है, उसको तो 300 पे लग रहा है भाई 30x हो गया, $10 पे बाई किया, और क्या चाहिए जीवन में। तो जैसे प्राइस बढ़ती जाती है ना, एक पॉइंट के बाद लोगों को ये लगने लगता है कि यार बुक कर लेना चाहिए, थोड़ा रैशनैलिटी प्रिवेल्स आफ्टर अ पॉइंट, ठीक है। नाउ वंस दैट स्टार्ट्स हैपनिंग, पीपल स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स, ये ऐसे नीचे आने लगता है प्राइस। और फिर जो वीक हैंड, जिसको हम बोलते हैं ना, जिनने $200 पे बाय किया है, लेकिन उनको उनको लगता है हमेशा ऊपर जाता रहेगा, वो जब 200 से 100 पे आ जाता है, 150 पे आ जाता है, उनको लगता है भाई ये गड़बड़ हो रहा है। एंड देन दैट साइकिल स्टार्ट्स कि वो बेचने लगते हैं, और फिर वो ऐसे होने लगता है जो आप देख रहे हो कि अभी बीएनबी नीचे आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर नहीं जा सकता, मेरे को प्रोजेक्ट पे भी भरोसा है, मैं सब मान गया, मेरे पास भी है थोड़ा बीएनबी, और नमीश के पास तो काफी है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे ही जाता रहेगा या ऊपर नहीं जा सकता, वो सब मैं बता रहा हूँ। कितना भी लेजेंडरी प्रोजेक्ट है, मतलब बीएनबी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द क्रिप्टो वर्ल्ड राइट नाउ, राइट, पर वो उतना बड़ा होने के बावजूद देखो पिछले 15 दिन से नीचे ही आ रहा है, और कब तक आएगा हमें नहीं पता, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, कब जाएगा वो सब हमें नहीं पता, वो पॉइंट नहीं है। सो कार्डेनो जो है, दैट इज ऑल्सो इज नॉट इम्यून टू दिस। तो आप ये समझो कि जब, अब ये देखो ये यहां से, ठीक है, अगर हम इसको यहां से देखें तो ये यहां से इसका एक अपट्रेंड शुरू हुआ है सेप्टेम्बर से। तो ये यहाँ पे एक्चुअली सेप्टेम्बर एंड भी नहीं, नवंबर से ये फ्लैट था थोड़ा, ये नवंबर में था 10 सेंट्स, 9 सेंट्स का, ठीक है, 10 सेंट्स का जितने का भी था। अब वहां से ये हाई बना के आया है कितने का, 1.5 का, ठीक है। तो अगर कोई चीज, मतलब ये सोचो ना कि 15 गुना अगर हो गई है, ठीक है, तो कभी ना कभी तो इट विल कुछ तो होगा ना, मतलब पुल बैक आएंगे, कभी तो लोग बुक करेंगे। प्रॉफिट किए भी लोगों ने बीच में, यहाँ पे किए, फिर थोड़े यहाँ पे किए, और अब लोग और बड़ा प्रॉफिट बुक करें, ठीक है, क्योंकि राउंड फिगर है 1.5, 1, 2, ऐसे राउंड फिगर्स होते हैं, उस पर लोग, मतलब ऑब्वियसली पीपल वॉन्ट टू बुक प्रॉफिट, राइट, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली। तो अब क्या होता है, हम इस होप में चलते हैं कि यार जो है प्राइस जाता जाएगा ऊपर, अपन होल्ड करते जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे। मेरे को 2017 में यही लगा था, क्योंकि मैंने बिटकॉइन बाय किया था पहली बार 2016 में $1,000 के नीचे, और जब वो $15,000 क्रॉस किया ना, मैंने कहा ये कल सुबह जाएगा 50 पे, अपनी लाइफ है सेट, ठीक है। और मैं कॉलेज में था 2017 2016 में, तो मेरे पास पैसे बहुत नहीं थे,
तो मुझे लगता था कि थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया तो अपने को जितना ज्यादा हो सके ना उतना ले लेना चाहिए, 10x 20x जो भी है, ताकि अपने हो जाए अपना काम, रिटायर हो जाए अपन। अब जब मैं काफी पैसे डाल के बैठा हूं तो मुझे रियलाइज होता है कि यार नहीं होना चाहिए इतना जल्दी ऊपर नीचे, क्योंकि ये मतलब बीपी बढ़ाने वाला काम है, ठीक है, ब्लड प्रेशर। कभी भी आपको ऐसे एक बार में वन शॉट में कोई कॉइन बाय करके लाइफ चेंज नहीं होने वाला शॉर्ट टर्म में। हाँ डेफिनेटली जिनने बीएनबी के आईसीओ में इन्वेस्ट किया था, इथीरियम के इनिशियल ऑफरिंग में किया था, या जिनने बिटकॉइन 2012-12 में किया था, लॉन्ग टर्म में जरूर हो सकता है, नॉट डिनाइंग दैट, राइट, कि कॉइन में आपने पैसे लगाए दैट चेंजेस योर लाइफ, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज रियली लो फर्स्टली, एंड वो डेफिनेटली 6 महीने में तो नहीं होने वाला, ठीक है, या हुआ भी तो आप उसको बचा नहीं पाओगे क्योंकि वो धड़ाम से नीचे आएगा जैसे आ रहा है। हैविंग सेड दैट, आप लोग ये सोचो कि आप लोग कितना वीक है, मतलब ऐसे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि हम बहुत बात करते हैं डायमंड हैंड्स की, एंड लाइक स्टील हैंड्स, जो भी आजकल ट्विटर पे क्या पता क्या टर्म है, दिस प्राइस जो अभी गिर रहा है ना, दिस इज नॉट इवन लास्ट वीक्स लो, लास्ट वीक का लो ये है। अगर आपको इसमें ऑलरेडी लग रहा है, ठीक है, कि यार मैं तो भाई लग गए अब तो क्या होगा, तो दो बातें हो रही हैं, या तो आपने बिना ही बिल्कुल स्टडी किए बिना फोमो में बाय किया हुआ है, या फिर आपने इतनी ज्यादा क्वांटिटी बाय की है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसमें स्टॉप लॉसेस हिट होना, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन, इट डजंट टॉक अबाउट कार्डेनो, इट टॉक्स अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द मार्केट वर्क्स, ठीक है। तो इसको प्लीज, ये बीएनबी है, ये है, बिटकॉइन भी हो सकता है यार, बिटकॉइन भी जब जब 10,000 से 20,000 डॉलर गया था 2017 में, डबल हो गया था 2 महीने में, तो लगा था क्या बात है, फिर वो 20,000 से 3,000 तक आके गया, तो वो स्लो ग्राइंड में उसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। दैट फॉल फ्रॉम 2017 हाई टू 2019 लो वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ अ डिफरेंट काइंड, क्योंकि तब मुझे समझ में आया कि यार ये तो भाई इतना ही पैसा डालो या इतना ही लेवरेज लो कि अपन बचा पाए जिंदगी, ठीक है, नहीं तो ये अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट ब्लोज माई अकाउंट, राइट।